नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज पुलिस कंट्रोल रूम रीवा से कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन ने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली पूरे शहर से भ्रमण कर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें, ताकि वह वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, नशे का प्रयोग ना करें और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और आम लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। उन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और हादसे होते जा रहे हैं। अगर हम इन लापरवाहियों में सुधार कर लें तो सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और सुरक्षित यात्रा किया जा सकता है। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों में भ्रमण करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में आकर समाप्त हो जाएगी। हम आपको बता दें, इन दिनों यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यह रैली निकाली गई है। आप सभी की मदद से हम लोग लगातार सड़क सुरक्षा और यातायात के संबंध में इस तरह के जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। आप सभी के माध्यम से लोगों से अपील है कि आप सड़क पर जब भी चले अपना वाहन चलाएं तो नियमों का, जो यातायात से संबंधित नियम है, उसका पालन करें। अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करें, टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का जरूर उपयोग करें, और थोड़ी सी आपकी सावधानी, थोड़ा सा आपका बचाव, थोड़ा सा नियमों के प्रति प्रतिबद्धता आपके जीवन के लिए और आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं आपकी गाड़ी में, उन सभी के जीवन के लिए बेहतर हो सकता है। हम सभी से अपील करते हैं कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं।